आखिर आधी रात को टीना दत्ता ने सुम्बुल टोकिर खान के बारे में अंकित गुप्ता और शालीन भानोट से ऐसी कौन सी बात कह डाली कि जिसके पलटवार में अंकित और शालीन भानोट ने टीना की बोलती ही बंद कर दी। जी हाँ, टीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुम्बुल टोकिर खान के पीठ पीछे अंकित और शालीन उनकी कुछ बुराई भी नहीं सुनेंगे और मेरा तो मुंह ही बंद करके रख देंगे। ऐसे में आखिर क्या कहा था टीना दत्ता ने जो शालीन भानोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अंकित को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दत्ता ने सुम्बुल टोकिर खान की बुराई करते हुए एक ऐसी बात कह डाली जिसको लेकर दोनों ने टीना दत्ता को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्या है इसको लेकर पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब सुम्बुल टोकिर खान ने टीना दत्ता और शालीन भानोट के साथ अपना पूरा का पूरा बॉन्ड ही तोड़ दिया है। सुम्बुल दोनों से हमेशा दूर ही रहती है और ज्यादातर अंकित गुप्ता और शिव ठाकरे के साथ ही रहती है। ऐसे में आपको बता दें कि बीती रात को अंकित गुप्ता और शालीन भानोट एक साथ गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। ऐसे में वहां पर टीना आकर बैठ जाती हैं। इसी बीच अंकित टीना से पूछते हैं कि क्या खाना बन गया, जिसके जवाब में टीना कहती हैं कि नहीं अभी तो खाना नहीं बना, महारानी ने अभी खाना बनाना शुरू किया है। आपको बता दें कि टीना दत्ता ने यहां पर सुम्बुल टोकिर खान को महारानी कहा। अंकित ने कहा कि क्या सुम्बुल खाना बना रही है, वो तो सुबह भी खाना बना रही थी और इस वक्त भी वही खाना बना रही है, जिसके जवाब में टीना ने कहा हाँ खाना तो बना रही है लेकिन अपनी मर्जी से बना रही है, पता नहीं कब तक वो खाना बना पाएगी। इसी को लेकर शालीन भानोट ने वहीं बीच में आकर कहा कि हाँ सुम्बुल तो सुबह भी खाना बना रही थी, एक बात तो है कि सुम्बुल काम के लिए कभी भी मना नहीं करती, उसे जो भी काम कहो वो चुपचाप उठकर उस काम को कर देती है। अंकित ने भी यही बात कही। अंकित ने कहा कि हाँ खाना तो सुम्बुल बनाती है लेकिन वो टेस्टी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। सुम्बुल की ये तारीफ टीना दत्ता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। टीना दत्ता ने कहा कि आज तो सुम्बुल शाही खाना बना रही है, तो पता नहीं खाना बनाने में वो कितना टाइम लगा डालेगी। आपको बता दें कि सुम्बुल के पीठ पीछे टीना दत्ता अंकित और शालीन से उसकी बुराई करना चाहती थी लेकिन शालीन और अंकित ने तो उसकी बुराई सुनी ही नहीं। आपको बता दें कि अब टीना दत्ता सुम्बुल के पीठ पीछे अंकित के साथ उसका बॉन्ड तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि सुम्बुल टोकिर खान की ना तो अंकित के साथ दोस्ती बने और ना ही शिव ठाकरे के साथ दोस्ती बने। लेकिन टीना दत्ता को क्या मालूम था कि यहाँ पर उसका दाव उन पर ही उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ अंकित ने सुम्बुल की तारीफ की बल्कि शालीन भानोट भी अंकित के साथ मिलकर सुम्बुल की तारीफ करने लग गए थे। कुल मिलाकर बात करें तो अब सुम्बुल के पीठ पीछे टीना दत्ता सुम्बुल के बॉन्ड तोड़ना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर घर का हर एक सदस्य सुम्बुल की तारीफ करता हुआ ही नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि टीना अब आगे कौन कौन सी बड़ी बड़ी चाल रचती हुई नजर आती हैं। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।